अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं राबी ख़ान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस वक्त कुछ मसाले मेरे सामने मौजूद हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि जो बाज़ार से आप फ्रेंच फ्राइज़ लेके आते हैं, उस पर जो मज़े का मसाला डला होता है, वो मसाला आप ख़ुद घर में कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। एक दो चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके घर में ही मौजूद होता है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सारी चीज़ें जो है वो टेबल स्पून के हिसाब से मेजर हुई हुई हैं। तो आप बस एक टेबल स्पून ले लें। और ये चाट मसाला है मेरे पास, ये है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून। ऑरिगानो मैंने लिए हैं, ऑरिगानो लीव्स, ड्राई लीव्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून, अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें और कम खाते हैं तो कम डाल लें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है। इसके बाद बारी आती है लहसुन पाउडर की। ये लहसुन पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये लहसुन पाउडर है। ये हमारा चिकन पाउडर है, ये 1.5 टेबल स्पून है। अगर आपको थोड़ा लेस टेस्ट चाहिए चिकन पाउडर का, तो आप इसको 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास पेपरिका पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, जो जिसमें तेज़ी नहीं होती कलर, जो लाल मिर्चों, कश्मीरी लाल मिर्चों का जो पाउडर कह लें आप, ये वो। सो गाइस, आप देखेंगे मैंने सारे मसाले एक साथ एक ही बाउल में मिक्स कर लिए हैं। उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें, और जब भी आप अपना ये फ्रेंच फ्राइज बनाएं, उसके ऊपर लास्ट में जैसे आप चाट मसाला या नमक डालते हैं, उस तरह से आप ये मसाला डाल के खाएं। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्रेंच फ्राइज़ का टेस्ट आएगा आपको इस मसाले को डालने के बाद। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा काइंडली, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो राबी ख़ान की तरफ से अगली आने वाली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।